आप लोग सब अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हम चैप्टर 17 ज्योग्राफी क्लास 12th NIUS का पार्ट 3 हम पढ़ने वाले हैं। इसमें हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इन इंडिया, ठीक है। ये एक मतलब मैंने देखा था कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम ग्रीन, येलो एंड ब्लू रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे और एग्रीकल्चर के सिग्निफिकेंसेस और महत्वपूर्णता वो तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हमारे जो प्रीवियस 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ आज, तो बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर, ठीक है। और आपके कॉन्ट्रीब्यूशन एंड पार्टिसिपेशन रियली वेरी नेसेसरी फॉर अस, ठीक है। तो इसीलिए आपका जो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, सो दैट कि चैनल सस्टेन रह सके और ये दूसरे बच्चों तक भी पहुँचे जिनको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को। स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान में, मैं हूँ आपका दोस्त अरुण। तो देखिए ये एक पर्टिकुलर टॉपिक रहने वाला है जिसको आज हम कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ने वाले हैं। देखिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर कोई भी चीज़ नहीं पसंद आती तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, बट देयर यू हैव टू टेल मी दैट कौन सी चीज़ ऐसी है जो आपको नहीं पसंद आई, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के सिग्निफिकेंसेस क्या हैं वो सारी चीज़ें तो हमने पढ़ ली हैं कि ये कहीं ना कहीं एक प्राइमरी रोल प्ले करता है जहाँ पर जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है ना वहाँ पर, और कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इसका काफ़ी ज़्यादा रोल रहा है आज तक और है अभी भी, ठीक है। जॉब क्रिएशन में काफ़ी ज़्यादा रोल है। तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी हमारे जो प्रीवियस पार्ट्स हैं उनमें पढ़ चुके हैं कि क्या क्या एग्रीकल्चर का रोल है। तो ये सारी चीज़ें वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, ठीक है। वी आर जस्ट गोइंग टू फोकस ऑन अ पर्टिकुलर थिंग, दैट इज़ द एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो काफ़ी सारे डेवलपमेंट हुए थे, दैट इज़ द ग्रीन रेवोल्यूशन, येलो रेवोल्यूशन एंड ब्लू रेवोल्यूशन, ठीक है। तो इस तरीके के रेवोल्यूशन हमारी कंट्री में आए, ठीक है, और इनके क्या क्या सिग्निफिकेंसेस थे, आउटकम्स क्या कहते हैं, सारे के सारी चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे कि एग्रीकल्चर जो है ना मस्ट है एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, अगर एक कंट्री जो है एग्रीरियन कंट्री, हमारी जो कंट्री है वो एग्रीरियन कंट्री है। क्यों? क्योंकि जो एग्रीकल्चर है ना काफ़ी सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करता आ रहा है जीटी में, बट नाउ डेज इट्स यू नो सेगमेंट, इट्स पार्ट इज डिक्लाइनिंग, ठीक है। क्योंकि इसका जो कंट्रीब्यूशन का पार्ट है ना वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ सर्टेन थिंग्स, ठीक है। वो सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी देख ली हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो पिछले 2 पार्ट्स रहे हैं। हम इसमें देखने वाले हैं कि एग्रीकल्चर क्यों नेसेसरी है, तो हमने पढ़ लिया ऑलरेडी, ये हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। और व्हाट इज़ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ठीक है, क्या है एग्रीकल्चर, वो तो क्यों जरूरी है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री और प्राइमरी जो लेवल है जहाँ पर रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होता है, ठीक है। नाउ वी विल सी कि व्हाट इज़ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट क्या होता है। देखिए एग्रीकल्चर तो आपको पता ही कृषि होती है, ठीक है, डेवलपमेंट का मतलब विकास। अब विकास से क्या आपको समझ में आता है, देखिए विकास काफ़ी तरीके का होता है। अब मानकर चलिए एक पर्टिकुलर मैन था, ये जो है ना 2001 में इसकी जो इनकम थी वो तकरीबन थी 1000 पर मंथ, ठीक है। अब ये तो इसकी जब अब ये आता है 2015 में इसकी जो मंथली इनकम हो जाती है वो हो जाती है इसकी 15,000 पर मंथ, ठीक है, 15,000 पर मंथ। अब देखिए यहाँ पर एक ह्यूज डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा, 10,000 का डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। ये तो है इसकी ग्रोथ, मगर इसने ये 1,000 रुपये जब कमा रहा था तो इसके पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल थी, क्या क्या एमिनिटीज़ इसके पास अवेलेबल थी, क्या इसको खाने के लिए मिल रहा था अच्छे तरीके से, इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू थी, डेली डाइट जो थी वो सही से फॉलो हो रही थी या नहीं हो रही थी, इसकी फैमिली अच्छे से पेट भर पा रही थी नहीं भर पा रही थी, जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो ये ले पा रहा था या नहीं ले पा रहा था। अब आगे चलकर जब इसकी सैलरी होती है तो जो है ना इसकी सैलरी इंक्रीज़ होती है, तो इस इंक्रीज़ होने के बाद इसकी जो क्वांटिटी होती है ना इसमें, जो इसके फूड में हो गया या फिर अपने घर में टीवी लगवा लिया फिर अपने घर में फ्रिज लिया, तो हमने इसमें क्या देखा, एक डेवलपमेंट देखा। एक तो ग्रोथ भी देखी हमने सैलरी के कॉन्टेक्स्ट में, और दूसरी चीज़ हमने इसके जो होलिस्टिक डेवलपमेंट देखा कि इसका विकास हुआ है, ठीक है। काफ़ी नई नई चीज़ें, एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड कराने लगा, पहले एजुकेशन का काफ़ी सस्ती हुआ करती थी बट आज के समय में फिर ट्यूशन भी लग गए, तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देखी कि सैलरी के साथ साथ इस पर्टिकुलर मैन का डेवलपमेंट भी हुआ है। तो यही सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर में भी होती हैं कि यहाँ पर हम जो फार्मर्स होते हैं उनको असिस्टेंस प्रोवाइड कराते हैं इन टर्म्स ऑफ, चाहे फिर वो फार्म लोन्स हो, ठीक है, फार्म लोन्स को बोलते हैं क्रेडिट फैसिलिटी,
ठीक है, चाहे फिर वो क्या नाम है फर्टिलाइजर्स हों, केमिकल्स हों, या फिर इरिगेशन फैसिलिटीज़ हों बाय कैनाल इरिगेशन, ठीक है। इरिगेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, हमारे लास्ट टू लास्ट चैप्टर में, ठीक है। अब वहाँ पर हमने जब इरिगेशन पढ़ा था, कैनाल इरिगेशन के बारे में हमने काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करा था, ठीक है। वहाँ पर हमने देखा था, शायद लास्ट टू लास्ट चैप्टर था, हाँ शायद लास्ट था या फिर यही वाला था, ठीक है। तो उसमें हमने पढ़ लिया था, आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो वहाँ पर हमने कैनाल इरिगेशन के बारे में पढ़ा था। तो कैनाल इरिगेशन हो गया, ट्यूब वेल्स हो गया, वेल्स हो गया, वेल्स तो काफ़ी ओल्ड ज़माने के, आप तो ट्यूब वेल्स हैं और स्प्रिंकल और ड्रॉप इरिगेशन का सिस्टम है, काफ़ी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो आज के समय डेवलप हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो असिस्टेंस अगर हम फार्मर्स को प्रोवाइड कराएंगे इन टर्म्स ऑफ फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स एंड ऑल, अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग भी करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, जिसमें बिल्कुल भी जो केमिकल्स होते हैं उनका यूज़ नहीं होता इन टर्म्स ऑफ कल्टीवेटिंग एनी काइंड ऑफ क्रॉप ऑन दैट पर्टिकुलर लैंड। तो वहाँ पर जो ना खाली जो नेचुरल खाद होती है उसी का यूज़ होता है, जैसे कि जो डंग होता है या फिर हमारी जो पूप होता है उसका बहुत एक्सटेंसिव रूप से यूज़ करा जाता है, सो दैट की जो ज़मीन की फर्टिलिटी है ना उसको एज इट इज़ रखा जा सके, ठीक है। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का मतलब है कि किसान का होलिस्टिक विकास होना चाहिए, तभी तो एग्रीकल्चर डेवलप होगा, ठीक है, तभी तो वो कुछ कर पाएगा। जैसे कि हम प्रोवाइड कर सकते हैं सिक्योरिटी, इनकम सिक्योरिटी। आज के समय अगर हम किसान की बात करें तो किसान के पास इनकम सिक्योरिटी तो है नहीं, यानी उसकी लाइफ तो सिक्योर है ही नहीं। अगर खेती करेगा तो उसके पास आती रहेगी इनकम, अगर नहीं करेगा तो उसके पास नहीं आएगी। इवन जो आपने देखा होगा कि आपने आज के समय में भी देखा होगा काफ़ी सारे छोटे छोटे किसान हैं जो बड़े बड़े फार्मलैंड पर काम करते हैं, यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। बड़े बड़े जो कंट्रीज़ हैं वेस्टर्न कंट्रीज़, वहाँ पर आपने देखा होगा, और हमारी कंट्री में भी कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर जो लेबरर्स काम करती हैं, लीज़ पर ज़मीन लेते हैं और उस पर जो है ना फार्मर जो अपनी खेती करते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, मगर उनके पास कोई एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी नहीं है कि हाँ अगर ये चीज़ नहीं हुई या फिर ज़मीन की फर्टिलिटी डिक्रीज़ हो गई देन व्हाट विल हैव। तो ये सारी चीज़ें हमें जो है थोड़ा सा इंश्योर करनी पड़ेंगी, और इसी को बोलते हैं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, तभी तो एग्रीकल्चर डेवलप होगा, ठीक है। रिसर्च एरिया में हम कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम नहीं मतलब गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूट कर सकती है, ठीक है। उससे क्या होगा कि जो नई नई वेराइटीज़ हैं, सो दैट की जो रेजिस्टेंस क्रॉप्स होती है ना, एकदम हाई वेराइटीज़ होती हैं, जैसे कि अगर मानकर चलिए ये डेजर्ट लाइक ड्राई लैंड फार्मिंग करनी है, तो वहाँ पर भी हम अगर राइस है ना तो उसकी जो ना उसमें कुछ रिसर्च कर उसमें कुछ जीन एडिटिंग कर तो हम उसकी एक ऐसी वेराइटी तैयार कर सकते हैं जो ड्राई लैंड फार्म में भी उगाई जा सके, जो वाटर इंटेंसिव ना हो। तो इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, क्यों इसके लिए फ़ंड चाहिए होगा, तो कौन देगा फ़ंड, ऑब्वियसली सरकार देगी, कुछ सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है, कोई सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है और एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो होती हैं उसमें क्या होता है कि जो 50-50 पार्टनरशिप होती है स्टेट की और सेंटर की, ठीक है, और सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो होती है उसमें जो पूरी की पूरी पार्टनरशिप होती है ना वो सेंटर की होती है, ठीक है। मगर जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है उसमें जो नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज़ हैं उसमें 90% सेंटर देगी और 10% नॉर्दर्न स्टेट यानी स्टेट गवर्नमेंट देगी। तो ऐसे कुछ एरियाज़ हैं जिनको स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करा रखा है, ठीक है। तो वहाँ पर कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ दी जा सकती हैं। अब हम पेस्ट को चेक करने के लिए कुछ ऐसी अच्छी सी तकनीक का ईजाद कर सकते हैं, सो दैट कि पेस्ट लगे ही ना और फसल ख़राब ना हो। उसके लिए इससे एक और चीज़ हो सकता है कि हम मोनोक्रॉपिंग की जगह क्या कर सकते हैं, मल्टी क्रॉपिंग क्या होती है वो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया है, ठीक है। मल्टी क्रॉपिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो टोटल लॉस से हम जो है बच सकते हैं, किसानों को बचाया जा सकता है, ठीक है। ये चीज़ कैसा होगी, क्योंकि ताकि उन तक अवेयरनेस पहुंचे, उनको ये पता चल जाए कि हम मल्टी क्रॉपिंग जैसा भी कोई सिस्टम होता है, ठीक है। फैसिलिटेटिंग डाइवर्सिटी फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, यानी डाइवर्सिटी वही मैं अब बात कर रहा था, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हम प्रोवाइड करा सकते हैं, और हम आज के समय देख पा रहे हैं कि काफ़ी सारे जो कॉल सेंटर्स हैं वो किसान के संदर्भ में भी काम करते हैं, ठीक है, ताकि अगर किसी किसान को ये नहीं पता कि अ पर्टिकुलर क्रॉप हाउ कैन अ पर्टिकुलर क्रॉप कैन बी कल्टीवेटेड, ठीक है, हाउ अ पर्टिकुलर क्रॉप कैन बी कल्टीवेटेड, ठीक है। ये तो ये सारी चीज़ें जो ना कैसे होती हैं, कैसे प्रोवाइड करानी है इन्फॉर्मेशन, तो ये सारी चीज़ें जो ना कहीं ना कहीं जो कॉल सेंटर के माध्यम से प्रोवाइड कराई जा सके। सॉइल हेल्थ कार्ड आज के समय बनाए जा रहे हैं, हमने पढ़ लिया ऑलरेडी, ठीक है, और किसान क्रेडिट कार्ड, सो दैट कि किसान को क्या हो सके, क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जा सकें, सो दैट कि वो जो ना कैपिटल गुड्स जैसे कि ट्रैक्टर जो मशीनरीज वगैरह उनको भी अच्छे से परचेज कर सकें, अगर जिनका बड़ा बड़ा फार्म लैंड है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हम प्रोवाइड करा सकते हैं, सो दैट कि एग्रीकल्चर को एक होलिस्टिक वे में डेवलप किया जा सके, ठीक है। चले आगे, चलिए अब देखिए यहाँ पर लैंडफॉर्म्स की बात आती है। अब हम ये लैंडफॉर्म्स पढ़ क्यों रहे हैं,
देखिए हमारा जो ना 1947 में देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त को, 15 अगस्त 15th of August इन द ईयर 1947 वी गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिशर्स हु रूल्ड ऑन आर सेल फॉर ऑलमोस्ट 200 ईयर्स। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 200 सालों तक जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हमारे ऊपर रूल करा। एंड उन्होंने क्या करा था कि काफ़ी ज़्यादा मतलब इंटेंसिवली जो लैंड थी, जो बड़े बड़े लैंड लॉर्ड्स हुआ करते थे, जमींदार हुआ करते थे, वो कहीं ना कहीं जो लैंड थी पूरी की पूरी उस समय पर भी जब ब्रिटिशर्स रूल करा करते थे तो उस समय पर भी उन्हीं के पास हुआ करते थे। इवन जो मिनिमल जो मेनियल फार्मर्स थे ना, यानी छोटे छोटे पैटी फार्मर्स जो हुआ करते थे, उनके पास ज़्यादा ह्यूज लैंड नहीं हुआ करते थे। तो वो क्या करा करते थे कि जो लैंड लॉर्ड हुआ करते थे, जमींदार जो हुआ करते थे, वो उन्हीं की खेती पर काम करा करते थे। इससे क्या होता था कि जो लैंड लॉर्ड थे, लैंड लॉर्ड हुआ करते थे, वो फार्मर्स को क्या करते थे, एक्सप्लॉइट करा करते थे। कभी उनके पैसे दे दिए, कभी नहीं दे दिए। ठीक है, लीज पर जो फार्म लैंडलॉर्ड हुआ करते थे अपने फार्मर्स को, अपने जो लैंड हुआ करता था उसको लीज पर दे दिया करते थे फार्मर्स को। तो ऐसे एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ करता था, एब्सेंट लैंडलॉर्डिज्म। ठीक है, कि वहां पर चाहे पानी आए या ना आए, चाहे कोई बारिश हो या ना हो, बस उनको अब क्या चाहिए होता था, पैसा चाहिए होता था। बाकी जितना भी कष्ट वगैरह जितना भी होगा वो जो फार्मर ने लीज पर लिया, जिसने लिया वो झेलेगा सारी चीज़ें, बस लैंडलॉर्ड को पैसा चाहिए। तो कहीं ना एक तरीके से जो है ना एक्सप्लोटेशन होता था फार्मर्स का। अब ये सारी चीज़ें देखी गई 1947 के बाद कि हाँ ये सारी चीज़ें हैं, तो लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट करने का एक प्लान लेकर आया गया, जिसको हम बोलते हैं लैंड रिफॉर्म। अब ये लैंड रिफॉर्म क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अब जितनी भी लैंड थी उसको इक्वल अमाउंट में बांट देगा। ये कहा गया कि जिस पर इतने एक पर्टिकुलर लाइक मानकर चलिए एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको यहाँ पर, कि अब एक फार्मर था, उसके पास 100 गज जमीन थी। अब एक फार्मर जो रख सकता था वो 25 गज जमीन रख सकता था खाली। अब इसने क्या करा, सरकार ने ये आदेश निकाला कि वो फार्मर, बस एक फार्मर 25 गज जमीन रख सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, एक गज जमीन भी रख सकता है, जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं उनके पास 0.0 गज, आज की बात बता रहा हूँ मैं, खाली एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो वहाँ पर क्या हुआ करता था कि सरकार ने ऑर्डर निकाला, डिक्री निकाली, उसके बाद क्या हुआ कि 25 गज जमीन एक फार्मर रख सकता था। अब उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने ये जो एक तरीके से लैंड रिफॉर्म इंडिया में यानी कंट्री में लेकर आए गए, ताकि लैंड को जो है ना इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके जो पुअर फार्मर हैं और रिच फार्मर हैं उनके बीच में। तो इससे क्या हुआ कि ये जो फार्मर्स थे, अमीर फार्मर्स थे, इन्होंने जो लैंड थी ना वो पुअर फार्मर्स को ना देने की बजाय, जो अपने ही परिवार में अलग अलग जो होते हैं ना लाइक मौसी मौसेरा या फिर बुआ फूफा वगैरह चाचा मामा, इनके नाम कर दिए। मगर फिर भी कंट्रोल किनका रहा, ये एक पर्टिकुलर लैंडलॉर्ड था, इसी का कंट्रोल रहा। तो उन्होंने पेपर पे दिखा दिया कि हमने जो ना लैंड ट्रांसफ़र कर दी, मगर फिर भी जो लैंड थी वो इन्हीं के पास रही। तो ऐसे ही चीज़ें हुई थी, मगर जो पुअर फार्मर्स थे उनको तो लैंड मिली ही नहीं। तो इसलिए आज के समय में आप देखोगे कि जो बड़े बड़े फार्म्स हैं वो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स के पास हैं। ठीक है, तो उनके पास ट्रैक्टर भी हैं, उनके पास गेहूं वगैरह निकालने की मशीन भी है, मगर वहीं पर जिनके पास छोटे छोटे फार्म है, 6 बीघे जमीन है या फिर 5 बीघे जमीन है या फिर 10 बीघे जमीन है, क्या उनके पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, यानी कैपिटल जो गुड्स हैं वो हैं, नहीं है, वो बाहर से किराए पर लेकर आते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम देख सकते हैं कि जो आज के समय में जो हमें देखने के लिए मिलता है कि जो अमीर किसान था जिसके पास ज़मीन ज़्यादा थी पहले, वो आज भी अमीर है, मगर जो गरीब किसान था जिसके पास ज़मीन पहले नहीं थी उसके पास आज भी ज़मीन नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती हैं आज के समय में। तो ये लैंड रिफॉर्म्स कहाँ गए, ये लैंड रिफॉर्म्स थे। ठीक है, तो ये आप आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैंने सारी की सारी चीज़ आपको बता दी है, ये लैंड रिफॉर्म्स। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि लैंड रिफॉर्म जो होने चाहिए, अब लैंड रिफॉर्म से ज़मीन तो बांटती, मगर आज के समय में जब अगर जब बात करते हैं तो उस समय पर जब ज़मीन बटी थी उस समय पर कैपिटल गुड्स भी तो बटने चाहिए थे ना, जिसके पास कैपिटल गुड्स है या फिर क्रेडिट है, क्रेडिट फैसिलिटीज़ भी तो बटनी चाहिए थी ना, मगर ऐसा नहीं हुआ। लाइक उस समय पर किसी के पास ट्रैक्टर था, मगर अगर ज़मीन बट रही है तो ट्रैक्टर थोड़ी ना जा रहा, फिर ट्रैक्टर तो उसी के पास रहेगा ना जो लैंड ओनर है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें भी हमें देखने की ज़रूरत है, इनमें भी थोड़ा सा सुधार लाने की ज़रूरत है, जैसे कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म जो होते हैं और जो सर्विसेज होती हैं वो भी सारी आज प्रोवाइड कराई जा रही हैं। ठीक है, ई कॉमर्स एंड मार्केट लिंकेजेस प्रोवाइड कराए जाने चाहिए छोटे किसानों को भी। ठीक है, सो दैट कि वो भी अपनी जो चीज़ें हैं ना उनके पास, उनके यहाँ पर अवेयरनेस जनरेट कराई जानी चाहिए, एक अवेयरनेस कैंपेन निकाला जाना चाहिए, और हर महीने या फिर साल में एक आध बार छोटे छोटे गांव में जाकर थोड़े सा अगर अवेयरनेस फैलाने के लिए कैंपेन बनाया जाए, सो दैट कि उनमें भी जागरूकता फैले और वो भी अपनी खेती वगैरह आसानी से कर सकें। नैनो टेक्नोलॉजी जो आज के समय पर काफ़ी ज़्यादा विकसित हो रही है, मगर इतने ज़्यादा ऊँचे लेवल पर नहीं,
क्योंकि हमने देखा कि हाई यील्डिंग वैरायटीज़ हमें देखने के लिए मिलती हैं, बीटी ब्रंजल हो गया, राइस हो गया, वीट हो गया, कॉटन हो गया, तो इनकी सारी हमें जो ना हाई यील्डिंग वैरायटीज़ देखने के लिए मिलती हैं और हाइब्रिड वैरायटीज़ भी देखने के लिए मिलती हैं। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करा जाना चाहिए सो दैट कि किसानों को ये पता रह सके कि कहाँ पर बारिश होगी, कब हमें कौन सी खेती करनी है। सारी चीज़ें अगर एक जगह ही मिल जाएंगी तो आसानी से किसान जो है फसलें उगा सकेंगे। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है, और स्मार्ट मशीन होनी चाहिए ताकि किसानों को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, मगर इससे क्या होगा कि लेबर लॉस होगा, ठीक है, जो पुअर लेबर है उसको कहीं ना कहीं जो है वो अपनी जॉब्स जो है वो अपनी जो नौकरियां हैं वो खो देंगे, ठीक है। और प्रिसीजन फार्मिंग होनी चाहिए, जैसे कि प्रिसीजन फार्मिंग मल्टी क्रॉपिंग हो गया या फिर ड्रिप इरीगेशन हो गया, ठीक है, और एक पर्टिकुलर सॉइल पर अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन पता चल जाए, उसमें फर्टिलाइजर्स कितने हैं या फिर कैसी सॉइल है वो पता चल जाए, तो एक तरीके से एक जो पर्टिकुलर क्रॉप है ना उस पर उगाई जा सकती है, ठीक है, जैसे कि फेवरेबल क्रॉप एक पर्टिकुलर ज़मीन पर उगाई जा सकते हैं, जैसी ज़मीन उस हिसाब से क्रॉप उगाई जानी चाहिए, तो उसको बोलते हैं प्रिसीजन फार्मिंग, ठीक है, ये बात आपको समझ में। चलिए आगे बढ़ें। अब ये सारी चीज़ें तो हमने देख ली कि लैंड रिफॉर्म्स आए थे, मगर फिर भी हमारी जो कंट्री थी काफ़ी ग्रो कर रही थी, जैसे कि हमने जो प्लानिंग थी ना, प्लानिंग 5 ईयर प्लान्स होते हैं, यानी प्लानिंग कमीशन जैसे जो आयोग है, यानी आज हमारे यहाँ पर नीति आयोग है, इसको पहले 2015 से पहले बोला जाता था प्लानिंग कमीशन, ठीक है। प्लानिंग कमीशन जो होता है, प्लानिंग कमीशन का काम था 5 ईयर प्लान को प्लान करना था। फिर इसके बाद ये जो कॉन्सेप्ट था हमने रशिया से उठाया था, USSR अस्तवाइल USSR, ठीक है, वहाँ से उठाया था, उनसे लिया था, अडॉप्ट करा था, मगर अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई करा, तब हमने इम्प्लीमेंट करा, ठीक है। अब वहाँ से 5 ईयर प्लान उठाया गया, तो उसके बाद क्या हुआ कि हमने जो ना उसको कंस्ट्रक्टिवली इम्प्लीमेंट करना चालू कर दिया, ठीक है। तो जैसे कि फर्स्ट टाइम में क्या हुआ कि फर्स्ट टाइम में एग्रीकल्चर पर थोड़ा फोकस दिया गया, यूनिवर्सिटीज़ क्रिएट करी गई, डैम वगैरह, इरिगेशन वगैरह, कैनाल वगैरह कंस्ट्रक्ट करे गए, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हुई। मगर सेकंड 5 ईयर प्लान में जो है इंडस्ट्रीज़ पर ज़्यादा फोकस करा गया। अब बावजूद 3% ग्रोथ के हमारी कंट्री बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही थी शुरुआत में, मगर फिर भी हमारे यहाँ पर भूखा पड़ रहा था। फिर सक्सेसिवली हमने देखा कि जो वॉर्स भी हुई, लाइक 1962 में चाइना वॉर हुई, 1965 में, 1971 में पाकिस्तान के साथ वॉर हुई, अब फिर उसके बाद जो है सूखा पड़ जाता, तो कहीं ना कहीं हमारी जो कंट्री थी वो बहुत ज़्यादा लाइक भुखमरी वहाँ पर फैल रही थी, क्योंकि खाने के लिए कुछ नहीं था। अब जो भी बचा था वो सारे का सारा जो है ना वॉर में लग गया था, वॉर के जितने भी सिपाही थे उनको पहुँचा दिया गया था। अब जो कंट्री के अंदर जो लोग हैं वहाँ पर, तो उनके पास कुछ नहीं बचा ना खाने के लिए, तो इस चीज़ को देखने के लिए, उस चीज़ से टैकल करने के लिए, उस भूखे से टैकल करने के लिए कंट्री जो दूसरी कंट्रीज़ पर क्या बोलते हैं उसको कि वो दूसरी कंट्रीज़ पर डिपेंडेंट थी कि वो वहाँ से कुछ फूड ग्रेन्स इंपोर्ट कर सके, जैसे कि अंडर दी PL 480 स्कीम जो थी, एक US की एक स्कीम है जहाँ पर जो कंट्रीज़ को क्या नाम है जो फूड ग्रेन्स थे वो सप्लाई करे जाते थे, ऐसे ही हमारी कंट्री जो है ना इस स्कीम के अंडर जो है ना कुछ जो फूड ग्रेन्स थे US से इम्पोर्ट करा करती थी। अब इससे क्या हुआ कि हमने देखा कि US जो है ना मतलब पूरी की पूरी जो है ना सोवियत यूनियन शीत युद्ध में पहुंच जाएंगे, हम वो छोड़ते हैं, ठीक है, अब वहाँ से इंपोर्ट करती थी। अब उस चीज़ को जो है ना टैकल करने के लिए क्या हुआ कि हमको जो है ना सेल्फ सफिशियंसी लेकर आनी थी कि हम भी खुद उगा सकें, हमारी कंट्री में भी इतना अनाज हो कि हाँ हम अपने जो लोग हैं उनका पेट भर सकें और हमारे पास इतना भी हो कि हम दूसरों को खवा भी सकें। तो इस सारी चीज़ को टैकल करने के लिए, सारी चीज़ को रेटिफाई करने के लिए, देखने के लिए और हटाने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आया गया, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आएगा टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑफ इंडिया ऑन फॉरेन एड फॉर द सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन, ठीक है, इसीलिए लेकर आया गया था, और इंडिया को सेल्फ सस्टेन बनाने के लिए इन टर्म्स ऑफ फूड ग्रेन और सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए, ठीक है, ये बात आपको समझ में। चले आगे। अब यहाँ पर कंडीशन कैसी थी इंडिया की ग्रीन रेवोल्यूशन आने से पहले, यहाँ पर शुरुआत में क्या हुआ था कि एग्रीकल्चर पर फोकस इतना नहीं दिया गया, एग्रीकल्चर पर फोकस दिया गया मगर जो टेक्नोलॉजी थी ना उस पर फोकस नहीं दिया गया था। लाइक एग्रीकल्चर पर फोकस दे रहे थे कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ द इरीगेशन कैनाल्स एंड अलॉट मोर थिंग्स, बट जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ थी जैसे कि इरीगेशन फैसिलिटी, ट्यूब वेल्स हो गई और इलेक्ट्रिसिटी हो गई और कनेक्टिविटी हो गई, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो गया, फार्म मशीनरीज हो गई, उन पर ज़्यादा फोकस नहीं दिया जा रहा था। तो ये सारी चीज़ें जो है ना कहीं कंट्री को पीछे ढकेल रही थी। अब इस चीज़ को हटाने के लिए आगे जो ना रिफॉर्म्स भी लिए जाते हैं, ठीक है, डिस्पाइट क्रेडिबल ग्रोथ दैट इज़ द 3% 1960 से
60 to 65 देखें तो हमारी जो कंट्री थी वो अच्छी खासी ग्रोथ कर रही थी, ऑलमोस्ट 3%। मगर ये यहाँ पर फिर भी फूड की जो थी वो शॉर्टेजेस थी, ठीक है। अब धीरे 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 हमारी जब कंट्री आगे बढ़ रही थी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे हाथ में था, हम उसे पढ़कर हमारे लॉज को फ्रेम कर सकते थे इन आर पार्लियामेंट। तो वहाँ पर लॉज फ्रेम हो रहे थे, तो जो हेल्थ सेक्टर था वो भी इम्प्रूव हो रहा था। अब जब हेल्थ सेक्टर इम्प्रूव हो रहा है तो वहाँ पर लोगों की डेथ कम हो रही है और पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है। जब पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है तो उनकी डिमांड भी बढ़ेगी, जब डिमांड बढ़ेगी उस डिमांड को टैकल करने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन को लेकर आया गया, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई। नॉर्मन बारलो इनका नाम है नॉर्मन बारलो, और यह है MS स्वामीनाथन। देखिए इनको फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाता है वर्ल्ड में। इनको नोबेल प्राइज़ से भी तराशा गया था, यानी नवाजा गया था, सॉरी ना तराशा, ठीक है, कभी कभी देखिए मिसमैच हो जाते हैं वर्ड, ठीक है, तो माइंड मत कीजिएगा। नवाजा गया था नोबेल प्राइज़ से, और ये थे MS स्वामीनाथन, जिनको इंडिया में द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाता है, ठीक है। चले आगे। अब यहाँ पर टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ इंडिया वॉज फोर्स टू इम्पोर्ट फूड इन ग्रेटर अमाउंट। इंडिया बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट कर रहा था, ठीक है। चाइना का वार हुआ 1962, देखिए 71 में नहीं हुआ था। देखिए कभी कभी जो है ना दिमाग से स्लिप हो जाते हैं ईयर्स, तो उस चीज़ के लिए भी माइंड मत कीजिएगा। 1965 में पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ, फिर उसके बाद ड्रॉट पड़ गया, ठीक है। इससे क्या हुआ कि जितना भी आउटपुट था वो सारा का सारा मिलिट्री के पास पहुँचा दिया जा रहा था, मगर इंडिया की जो जनता थी उसके पास नहीं बच रहा था कुछ भी। अब ये जो प्रोडक्टिविटी थी यहाँ पर इंडियन एग्रीकल्चर की बहुत ज़्यादा गिर गई थी, क्योंकि मानसून पर डिपेंड था, यहाँ पर इरीगेशन फैसिलिटीज़ तो थी ही नहीं, ठीक है। इसीलिए 1965 ने MS स्वामीनाथन ने इंस्पायर होकर इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन को लेकर आया गया, ठीक है, समझ गए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो ग्रीन रेवोल्यूशन था उसको तीन भागों में लेकर आया गया था, ठीक है। नॉर्मन बारलो, ठीक है, ये नाम था जो वर्ल्ड लेवल पर जो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहलाते हैं, ठीक है। इसको तीन भागों में लेकर आया गया, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। जो पहला वाला ग्रीन रेवोल्यूशन था वहाँ पर वीट पर ज़्यादा फोकस करा गया ताकि भूख मारी जाए सबकी, ठीक है। ये पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में इसको इम्प्लीमेंट करा गया, ठीक है, वेस्टर्न रीजन हुआ करते थे ये। यहाँ पर हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ऑफ वीट को प्रोड्यूस करा गया, ठीक है। ये जो रेवोल्यूशन था 1962 से 65 और 1970 से 73 तक चला, ठीक है। अब ये जो थर्ड रेवोल्यूशन आता है, सेकेंड रेवोल्यूशन आता है, यहाँ पर ये जो हाई यील्डिंग वेराइटीज़ सीड की थी ना, इसको वीट से राइस पर शिफ्ट कर दिया गया। अब राइस को बहुत ज़्यादा उगाया जाने लगा, यूपी, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे एरियाओं में भी ये स्कीम, इस रेवोल्यूशन को फैलाया गया ताकि राइस की जो इम्पोर्ट है ना, राइस की जो डिपेंडेंसी है वो सेल्फ डिपेंडेंसी हो सके, ना कि जो डिपेंडेंसी दूसरी कंट्रीज़ पर क्रिएट हो इंडिया की, ठीक है। थर्ड जो रेवोल्यूशन था वो 1983 to 1992-95 तक लेकर आया गया, और यहाँ पर जो लो ग्रोइंग एरियाज थे ना, जैसे कि उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश और राजस्थान, जहाँ पर पानी की क्वांटिटी कम थी, वहाँ पर भी ग्रीन रेवोल्यूशन को पहुँचाया गया ताकि जो इंडिया की सेल्फ इंडिपेंडेंट है, यानी इंडिपेंडेंसनेस जो है वो इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग शुड बी क्रिएटेड, ठीक है, उसको क्रिएट करना चाहिए। तो इसीलिए ऐसे एरियाज में भी जहाँ पर पानी नहीं है वहाँ पर भी फसल उगाने की कोशिश करी गई, ठीक है, और सक्सेस भी रहे। अब ग्रीन रेवोल्यूशन के देखिए इम्पैक्ट जो है, सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट और अदर जो इकोनॉमिकल इम्पैक्ट है, वो सारी चीज़ हम आगे भी पढ़ेंगे, मगर कुछ जो ओवरव्यू है हम यहाँ से देख लेते हैं कि पहला तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ, जिससे कि जो डिमांड थी इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की उसको मीट करा गया, उसको मतलब उसके साथ टैकल करा गया, ठीक है। अब यहाँ पर एकड़ जो यील्डिंग थी, यानी उत्पादन था, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने लगा। अब यहाँ पर जो इम्पोर्ट हो रहा था ना, बाहर की कंट्रियों से इंडिया इम्पोर्ट कर रहा था फूड ग्रेन, वो कहीं ना कहीं अब कम हो चुका था। एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, जैसे कि रिसर्च में, इरीगेशन में, ट्रांसपोर्ट में, प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग में, मार्केटिंग में, ठीक है, ऐसी इंडस्ट्रीज़ क्रिएट होने लगी तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होने लगा, ठीक है। और यहाँ पर जो फार्मर्स की इनकम थी वो भी कहीं ना कहीं हमें उसमें सिग्निफिकेंट राइज देखने के लिए मिला, ठीक है, ये बात आपको समझ में आएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वाइट रेवोल्यूशन, वाइट से समझ में आ जाना चाहिए कि वाइट क्या है खाने में, मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है, ये कहीं ना कहीं जो वाइट रेवोल्यूशन है वो मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, दैट इज़ दी ऑपरेशन फ्लड। अब इसका एम क्या हुआ करता था, सेल्फ डिपेंडेंट होना नेशन का इन टर्म्स ऑफ मिल्क, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मिल्क। अब मिल्क जो होता है, देखिए आज के समय में इंडिया बहुत ज़्यादा मिल्क को प्रोड्यूस करता है, मगर उतना ही वो कंज्यूम कर लेता है, फिर भी हमें जो है ना मिल्क
जो है अपनी जो अदर डिमांड्स होती हैं उनको मीट करने के लिए इम्पोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। अब कैटल रियरिंग में जो नेशंस हैं, जैसे कि स्कैंडिनेवियन नेशन हो गए, न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो यहाँ पर जो है ना जो कैटल रियरिंग है बहुत एक्सटेंसिव स्केल पर होती है, तो यहाँ पर मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है और यहाँ पर जो मिल्क प्रोडक्ट है ना वो बहुत ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो थे ये फादर ऑफ द मिल्क रेवोल्यूशन थे, वाइट रेवोल्यूशन, ठीक है। अब इसको जो है ना यहाँ पर 1964-1965 में एक प्रोग्राम लॉन्च करा गया जिसके तहत फार्मर्स को जो है ना काफ़ी जो एक हाई वेराइटीज़ दी गई, मतलब एक तरीके से उनको पैकेज दिए गए ताकि वो एनिमल हस्बेंड्री कर सकें, ठीक है, एनिमल रियरिंग कर सकें, कैटल रियरिंग, ठीक है। तो ये प्रोग्राम था द इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोग्राम। आगे चलकर ये देखिए, ये है डॉक्टर वर्गीज कुरियन द मिल्क मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये इनकी पिक्चर है, देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आगे एक और प्लान को मतलब क्या करा गया, एक ऑपरेशन को लॉन्च कराया, दैट इज़ दी ऑपरेशन फ्लड अंडर दी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इसने इंट्रोड्यूस करा था इसको। इसका एम था कि नेशन वाइड एक मिल्क ग्रिड को तैयार करना। आप आज देखते हैं कि पूरे नेशन में अमूल का दूध और मदर डेयरी का दूध जो है पूरे इंडिया में बिकता है और बाहर भी कंट्री में सप्लाई होता है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके का एक ग्रिड है, जैसे कि तारों की ग्रिड होती है ना, बिजली के तारों की एक ग्रिड तैयार होती है, बड़े बड़े आपने देखोगे खेतों में खंबे से लगे रहते हैं, वो पूरी ग्रिड होती है जो सप्लाई करती है इलेक्ट्रिसिटी को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है, कनेक्ट करती है एरियाज को। तो ऐसे ही एक नेशन वाइड मिल्क ग्रिड को तैयार करने के लिए ऑपरेशन फ्लड नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा इंट्रोड्यूस करा गया था। इसके सिग्निफिकेंस क्या थे कि यहाँ पर माल प्रैक्टिसेस जो ट्रेडर्स के द्वारा करी जाती, जैसे कि अब मानकर चलिए एक पर्टिकुलर गाँव में दूध प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ से वो जो है ना शहर में बेचने गए, मगर इस बीच में इन्होंने इसमें पानी वगैरह मिला दिया और कुछ अदर प्रोडक्ट वगैरह यूरिया वगैरह मिलाकर इसकी जो क्वांटिटी थी वो इंक्रीज कर दी और वहां पर सप्लाई कर रहे हैं कि हाँ प्योर दूध है। तो इस चीज को रोकने के लिए भी ये रेवोल्यूशन बहुत ज्यादा जरूरी था, ठीक है। अब यहां पर कहीं ना कहीं जो पॉवर्टी थी वो भी कहीं ना कहीं उसको मीट करा जा रहा था, ठीक है, उसको मीट करा जा रहा था, उसको भी इरेडिकेट करा जा रहा था इंडिया से, ठीक है, ये बात आपको समझ चलिए। अब यहाँ पर ऑपरेशन फ्लड ने फार्मर्स को भी एम्पावर कर दिया, उनकी जो कहीं ना कहीं एक तरीके से वो कंट्रोल कर सकते थे पूरी की पूरी रिसोर्सेज को, ठीक है। अब यहाँ पर इसने काफ़ी सारी सिटीज़ को कनेक्ट कर दिया था एक नेशन वाइड मिल्क ग्रिड को क्रिएट कर इस ऑपरेशन फ्लड ने, ठीक है। इससे क्या हुआ कि जो रीजनल प्राइस और सीजनल प्राइस इंक्रीज़ होते थे ना, इंक्रीज़ और डिक्रीज होते थे, उसको कहीं ना कहीं एक जैसा रखा जाने लगा, ताकि जो कस्टमर का सेटिस्फैक्शन है उसको भी कहीं ना कहीं एक्वायर किया जा सके और कंपनी की जो TRP वगैरह है, जो भी बढ़ोतरी हो, उसमें प्रॉफिट का इंक्रीज़ हो, क्योंकि सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। इफ़ यू आर गेटिंग फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर इन अ पॉजिटिव वे, देन योर TRP विल इंक्रीज है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी, TRP नहीं मतलब आपकी जो वो है ना, बोलते हैं ना क्या बोलते हैं फेमस हो जाओगे, ये वर्ड कभी कभी जो ना मतलब निकल जाते हैं मुंह से, मतलब दिमाग से निकल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो रूरल में रहने वाले पीपल थे उनका भी लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज़ हुआ। अब उनको जो है ना खाली जो फार्म लैंड थे, यानी जो स्मॉल फार्मर्स थे, उनको खाली जो फार्मिंग पर ही निर्भर होना नहीं पड़ा, उनके पास दो दो ऑप्शन होने लगे और मिक्स फार्मिंग वो करने लगे, कैटल रियरिंग एज वेल एज दी फार्मिंग, ठीक है, ये बात आपको समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा ब्लू रेवोल्यूशन। ब्लू से समझ माना चाहिए, ब्लू हमारे यहाँ पर क्या है, पानी, समुद्र है, तो यहाँ पर नीली क्रांति मिशन इसको बोला जाता है। यहाँ पर फिश प्रोडक्शन पर सबसे ज़्यादा फोकस करा गया था, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये जो प्लान था ब्लू रेवोल्यूशन जो था, ये 7th 5-year प्लान के अराउंड इसको लॉन्च करा गया था, दैट इज़ दी 1985-1990, ठीक है। इसमें जो स्पॉन्सरशिप करी थी, इसमें फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी ने इसको स्पॉन्सर करा था प्लान को, ताकि जो फिश का प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ करा जा सके। मगर 88th 5-year प्लान के द्वारा 8-5-year प्लान के दौरान जो इंटेंसिव मरीन फिशरीज प्रोग्राम था ना, उसको भी लॉन्च करा गया, ताकि और ज़्यादा एक्सटेंसिव स्केल पर जो इंडिया की जो खुद की डिमांड है उसको भी मीट करा जा सके और ग्लोबल लेवल पर भी इसको एक्सपोर्ट करा जा सके। आज के समय में मत्स्य संपदा योजना चल रही है, जिसमें कहीं ना कहीं जो 2025 तक काफ़ी जो एक्सटेंसिव स्केल पर जो फिश प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ करा जाना है, ठीक है। मुझे डाटा नहीं पता है अभी फिलहाल, मगर मुझे हाँ स्कीम के बारे में पता है,
तो इसी प्लान के अंडर द इंटेंसिव मरीन फिशरीज प्रोग्राम के अंडर ही काफ़ी सारे जो फिशिंग हार्बर्स हैं, यानी हार्बर्स यानी जहाँ पर फिश पालन करा जाता है, ठीक है, जिनका प्रोडक्शन करा जाता है फिशों का, तो वो क्रिएट करेगा, जैसे कि विशाखापट्टनम में, कोचिन में, टोटीकोरिन, पोरबंदर, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, ऐसी जगहों पर फिश जो है फिशों का प्रोडक्शन करा जाने लगा। अब कैसे, देखिए ऐसे इस तरीके से फिशों का प्रोडक्शन करा जाने लगा, यहाँ पर समुद्र नीचे पानी है मगर ये जाले से कनेक्टेड है पूरे के पूरे, यहाँ पर फिश रहेंगे, इनको खाना भी दिया जाएगा, हर तरह की चीज़ें कुछ ऐसे दिखते हैं फिर ये, और ये इंडिविजुअल लेवल पर, ठीक है, ऐसे फिश का प्रोडक्शन किया जाने लगा, ठीक है, चलें आगे। चलो अब यहाँ पर इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, यानी आउटकम क्या थे, परिणाम क्या रहे। अब इससे क्या हुआ कि जो फिशरीज सेक्टर था उसने काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा उसने रीच पाई और वो बहुत ज़्यादा उसने प्रोडक्शन भी करा। अब हम बात करें रीसेंट डेटा की, तो 2021-2022 में जो फिशरीज़ का प्रोडक्शन है वो 16.24 मिलियन टन है, ठीक है। अब यहाँ पर सिग्निफिकेंट अचीवमेंट हमें देखने के मिली इस सेक्टर में, ठीक है। यहाँ पर इंडिया की जो फिशरी सेक्टर था वो इंडिया की जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने लगा, ठीक है। इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आज के समय में भी, प्रेजेंट टाइम की बता रहा हूँ, थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फिशरीज़ के सेक्टर में, ठीक है, किसके बाद, चाइना और इंडोनेशिया के बाद, ठीक है। अब यहाँ पर जो फिशरी की जो एक्वाकल्चर की जो प्रोडक्शन थी वो कहीं ना कहीं 1% इंडिया की GDP में कॉन्ट्रीब्यूट करती थी, और जो एग्रीकल्चर की GDP थी उसमें तकरीबन 5% का कंट्रीब्यूशन ये फिशरी सेक्टर करता था, ठीक है, करता है आज भी, ठीक है, आज के समय की बता रहा हूँ। अब आते हैं हम येलो रेवोल्यूशन के पास। येलो रेवोल्यूशन समझ में क्या आता है, येलो कौन सी चीज़ है जो हमें खाने के लिए मिलती है, तेल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब तेल की बात कर रहे हैं, देखिए रिसेंटली जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, हमारी जो कंट्री थी काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट कर रही थी तेल, तो इंडोनेशिया ने जो ना पाम ऑयल पर बैन लगा दिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में, ठीक है। तो हमारी कंट्री जो ना काफ़ी ज़्यादा, हमने देखा कि जो प्राइसेस थे वो काफ़ी शोर हो गए थे, मतलब उनका जो प्राइस का लेवल था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, प्राइस बढ़ गए थे, तो काफ़ी महंगा हो गया था तेल। तो उस चीज़ को मैट करने के लिए उस चीज़ को टैकल करने के लिए क्या हुआ कि प्रधानमंत्री जी ने जो ना एक स्कीम निकाली पाम ऑयल को प्रोड्यूस करने के लिए, यानी पाम जो ट्री थे पाम को प्रोड्यूस करने के लिए काफ़ी मैसिव स्केल पर, सो दैट कि जो इंडिया की डिमांड है ना ऑयल के संदर्भ में उसको मीट करा जा सके, ठीक है। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव एक ही था कि यहाँ पर जो सेल्फ रिलायंस क्रिएट करना है इन टर्म्स ऑफ ऑयल सीड्स। अब देखिए और भी ऑयल सीड है, जैसे कि मस्टर्ड हो गया, सेसम हो गया, चमेली, ठीक है, और आमंड, काफ़ी सारे ऑयल हैं, और तिल का तेल आपने सुना होगा, पाम ऑयल भी है, ठीक है। तो ऐसी काफ़ी सारे जो प्रोडक्ट हैं जो कहीं ना कहीं तेल से भरपूर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इस जो रेवोल्यूशन को 1986 में स्टार्ट करा गया था, और यहाँ पर इसके जो पिता माने जाते हैं यानी फादर ऑफ येलो रेवोल्यूशन सैम पिट्रोडा माने जाते हैं, ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। यहाँ पर सेल्फ सफिशियंसी क्रिएट करनी थी, मगर आज के समय में हम बहुत ज़्यादा जो है ऑयल जो है वो इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है, सो दैट कि जो इंडिया में डिमांड है ना उसको अच्छे तरीके से फुलफ़िल करा जा सके, ठीक है। मगर आज के समय में हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम ये सारी चीज़ें हमें अपनी कंट्री में ही सारी चीज़ें करनी चाहिए, और हम अपनी कंट्री की जो डिमांड है उसको अच्छे तरीके से मीट कर पाएँ और एक्सपोर्ट भी कर पाएँ। तो उसके लिए हमें जो टेक इन्वेंशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी को इन्वेंशन किया जाना चाहिए, सो दैट कि उनको प्रॉपरली एडिक्वेटली यूज़ करा जा सके फार्मिंग में, ठीक है। मिक्स यील्डिंग होनी चाहिए, प्रोडक्टिविटी और फार्म इनकम, ये सारी सारी चीज़ें हमें जो ना ध्यान में रखकर जब कुछ जो मेजर्स हैं वो उठाने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि फार्मर्स की अगर इनकम नहीं बढ़ेगी तो फिर क्या होगा, कुछ नहीं। तो इसीलिए फार्मर्स की भी माइक्रो लेवल पर प्लानिंग ज़रूरी है, और जो इंटर डिपार्टमेंटल जो कोलैबोरेशन है और कोऑपरेशन है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम अपनी इंडिया को इन टर्म्स ऑफ ऑयल सीड अगर उसकी सेल्फ सफिशियंसी क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। ये हैं, कौन थे इनका नाम, सैम पिट्रोडा इनका नाम है, ये है फादर ऑफ द येलो रेवोल्यूशन, ये है सरसों के खेत, ठीक है, मस्टर्ड, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा था रेवोल्यूशन के बारे में, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन द कंट्री, इन आर कंट्री, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है आप मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली नीचे कमेंट करके, ठीक है। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और यहाँ पर भी आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं पर्सनली, ठीक है। और यहाँ पर भी मैंने डिस्कशन ग्रुप बना दिया, तो यहाँ पर भी आप इजीली डिस्कस कर सकते हैं अपनी जो क्वेरीज हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई भी आपको जवाब दे सकता है, ठीक है।
बट हाँ थोड़ा सा डेकोरम बना कर रखिएगा, मेंटेन कर रखिएगा ग्रुप में, ठीक है। अगर कोई भी इधर उधर की एक्टिविटी मुझे पाएगी देन आई विल ब्लॉक डायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फेसबुक पर भी आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, आगे फिर से मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए विदा लेना चाहूँगा आपसे, बट हाँ आपका कॉन्ट्रीब्यूशन पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद।